हेलो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है जेडब्ल्यू मेंस का दूसरा दिन 8 जनवरी दो सेशन का पेपर फिर से हो चुका है। यहाँ पे मैं सेशन वन आज 8 जनवरी के सेशन वन पेपर के कुछ ऑर्गेनिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आ चुका हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे आज पूछा गया है। स्लॉट वन में एक सब्सट्रेट दे रखा है और इस सब्सट्रेट को ट्रीट किया गया है अंडर परऑक्साइड और इसको किया गया है हीट। यहाँ पे समथिंग प्रोडक्ट ए ऑब्टेन हुआ है और इसको फर्दर आपको ट्रीट करना है किसके साथ, पेंट वन इन के साथ। पेंट वन इन के साथ आपको ट्रीट करना है, ठीक है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या है, परोक्साइड है, हीट है। इट मींस कि प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रोसेस होने वाला है फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए अब फ्री रेडिकल होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन ये पेंट वन इन ही है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है ना। पेंट वन इन जो है वो इस फॉर्म में इन्होंने बना रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका पेंट वन इन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। चलिए अब फ्री रेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा। फ्री रेडिकल प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, जो आपके गिवन सब्सट्रेट है, ठीक है। ये सब्सट्रेट जो आपका गिवन है उसको पहले आप अगर फ्री रेडिकल के थ्रू क्लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा इस कार्बन साइड पे, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि फ्री रेडिकल जो है वो इस तरफ बन जाए, इस कार्बन की तरफ। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज इधर और इधर, ठीक है। दोनों में से फ्री रेडिकल कहाँ से बनेगा, या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, दोनों से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल साइट कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो फ्री रेडिकल साइट जो है ना, जहां पे फ्री रेडिकल बना है, यहां पे आपके तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन। सो थ्री अल्फा, यहां थ्री अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा, वन अल्फा। सो 3 3 6 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए एक बार इसमें चेक करते हैं। इसमें इस कार्बन पे आपने क्या रखा है, हमने क्या रखा है, फ्री रेडिकल। इसके हिसाब से 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, खास बात देखेंगे आप यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आप हाइपर कंजुगेशन ही चेक कर सकते हो। 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 3 अल्फा हाइड्रोजन और ये 1 अल्फा, 4 अल्फा हो गया। सबसे यहाँ पे बड़ी बात, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो फ्री रेडिकल है ना, दिस इज इन रेजोनेंस विथ, ये फ्री रेडिकल जैसा बात है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी होमोलिटिक क्लीवेज करके। तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ क्या होगा, कंजुगेटेड होगा, ठीक है। कंजुगेटेड मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन प्लस यहां पर क्या हो रहा है, कंजुगेशन, कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यानी ये बात समझ में आ गया कि ये आपका होगा ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, दिस फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल। सो अपन इसको लेकर के नहीं चलेंगे, अपन इसको लेकर के चलेंगे। और इसमें पहला ऑप्शन जो आपका ए है, ठीक है, वहीं से आप मैच कर सकते हैं। दो ऑप्शन आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ए में जो बनकर के आ रहा है, ए में जो फ्री रेडिकल बनकर के आ रहा है, ठीक है, उसका भी आपसे ऑप्शन पूछा गया है। तो आप इजी सेट कर सकते हो कि आंसर वही होगा जिसमें फ्री रेडिकल कुछ ऐसा आपको दिख रहा हो, ठीक है। चलिए तो जो हमारा माइनर यानी कि जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है उसको हम यहां से एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने यहां से हटा दिया। अब क्या करेंगे, ये बन चुका फ्री रेडिकल, क्यों, ये ज्यादा स्टेबल है, 4 अल्फा हाइड्रोजन विद कंजुगेशन विल हैव हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर हैविंग 7 अल्फा हाइड्रोजन एंड फ्री रेडिकल हैविंग 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये बन चुका है। अब इसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और सीधा इसका लिखता हूँ अगला स्टेज। सो ये दिख रहा है कुछ ऐसा, यहाँ बन चुका है फ्री रेडिकल। और अब ध्यान देंगे, ये जो फ्री रेडिकल है ना, अगर एक बार ही फ्री रेडिकल बन चुका है तो फ्री रेडिकल की खास बात क्या होती है कि फ्री रेडिकल जो है किसी दूसरे फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करेगा। ये ना तो कार्ब कैटायन से कंबाइन कर सकता है, ना तो ये कार्ब एनायन से कंबाइन कर सकता है। इसको कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, दूसरा फ्री रेडिकल चाहिए। मतलब ये क्या करेगा, एक जो रेडिकल बना हुआ है ये अपने इन्फ्लुएंस, अपने प्रेजेंस में ये किसी दूसरे रेडिकल को ढूंढ करके क्या कर लेगा, एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल मिल करके एक बॉन्ड का कर लेगा फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब इसके सामने कौन है, इसके सामने अगर आप देखेंगे तो इसके सामने कुछ एक सब्सट्रेट और दे रखा है, पेंट वन इन, ये आपका ए हो चुका है। और इसमें क्या दे रखा है, पेंट वन इन दे रखा है। चलिए मैंने क्या बोला आपको, फ्री रेडिकल की खासियत ये है, या खासियत बोल लो, या बोल सकते हो हाईली रिएक्टिविटी बोल सकते हो, क्योंकि फ्री रेडिकल से ही कंबाइन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। अब देखिएगा ये जो फ्री रेडिकल है, दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट कहां से करेगा, इधर इधर।
अच्छा बोलोगे इफ रेड का जनरेट क्यों हो रहा है, यहाँ पे ना तो हीट है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो लाइट है, ना तो परऑक्साइड है, यहाँ पर फिर भी फ्रेड का जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेडिकल इनिशिएटर एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जनरेट कर लेगा, जिससे क्या हो जाए कंबाइन करके स्टेबल हो जाए, ठीक है, भले दूसरा रेडिकल क्यों ना जनरेट हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे तो इससे अगर आप देखेंगे तो इधर का जो रेडिकल है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर इधर का फ्री रेडिकल आप देखते हैं, ठीक है, और एक बार क्या करते हैं यहाँ से देखेंगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। पर अगर आप इधर बनाते फ्री रेडिकल, मतलब कुछ अगर आप ऐसा बनाते हो फ्री रेडिकल तो कितने 3 and 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अपना फ्री रेडिकल किधर होगा, अपना फ्री रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा इस साइड से बनेगा, ठीक है। चलिए यानी कि कुल मिलाकर के ये इधर ठीक है, यानी अपने ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल इस साइड से। अब मैं डायरेक्टली इसको क्या करता हूं, फ्री रेडिकल बना देता हूं, यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया पाई बॉन्ड को तोड़ करके, होमोलिटिकली क्लिप करके फ्री रेडिकल बना लिया, किसके इन्फ्लुएंस में, इस फ्री रेडिकल के इन्फ्लुएंस में। अब क्या होना क्या है, बस कुछ नहीं, इनका इसके ऊपर अटैक होना है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से आगे आप दोनों को सीधे तरीके से क्या कर लें, कंबाइन कर लेंगे तो इस कार्बन फ्री रेडिकल इस कार्बन फ्री रेडिकल को ऐड करें, तो यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। देख लीजिए ये कार्बन जहां जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ना, ये कार्बन और ये कार्बन हो चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है, और इस जहां बॉन्ड बना है उसके एक तरफ एक और कार्बन, ठीक है, जहां पे अपने टच किया वहां से एक और कार्बन है, और इसके आगे आप देख लें कि एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ठीक है। नहीं, यहां पे शायद एलिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट लेट अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा है, यहाँ पर तीन नाम दे रखा है, ठीक है, हम क्या करते हैं ना तीनों का स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे इसे पूछा क्या है, आपसे इसे पूछा है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, चलो हिंदी लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए पहले उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है CH3CH2OH, ठीक है, कौन से बॉन्ड लेंथ का, वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर देना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ COH, क्या यहाँ पे है, यहाँ पर है COH बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, दूसरा दे रखा था फिनॉल, ठीक है, तो यह आपका हो गया फिनॉल, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, तीसरा आपका दे रखा है, ठीक है, पैरा क्वेश्चन पे यानी देखेंगे, पैरा क्वेश्चन पे क्या लगा आपका, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, पैरा मिथॉक्सी फिनॉल यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आपको बॉन्ड लेंथ का अगर आपको पैटर्न पता है, सिंपल लॉजिक है, जिसमें रेजोनेंस होगा उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंड्यूस हो जाएगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम हो जाएगा, बिकॉज उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना वो क्या आपका लोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या आपका लोकलाइज्ड है, सो ये जो बॉन्ड है ना ये क्या रहेगा, यहाँ का जो COH बॉन्ड है ये क्या रहेगा आपका प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये क्या आपका प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे ना कि यहां पे बढ़िया आपको रेजोनेंस मिलने वाला है, ठीक है, देख लीजिए यहां पे आपको बढ़िया रेजोनेंस कैसे, ये पाई बॉन्ड इधर, वेरी सॉरी, ये लोन पेयर इधर, किस तरह, अच्छा यहाँ पे कंजुगेशन कैसा है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन रूल के हिसाब से आप देखोगे, ऐसे भी लोन पेयर जो है ना वैसे कहां होता है, पाई बॉन्ड की तरफ माइग्रेट करता है, ठीक है, लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ माइग्रेट करता है, ठीक है। चलिए इधर आ गए, अब ये पेंटावेलेंट, ये कार्बन पेंटावेलेंट तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, आई की तरफ इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, और इसका अगला स्ट्रक्चर मैं एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, बनेंगे तो ऐसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, टोटल पांच बनेंगे, जैसे फर्स्ट और लास्ट जो आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बना करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बनाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा पाई बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है कहाँ पर कार्बन OH बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन OH बॉन्ड, तो कार्बन OH बॉन्ड यहाँ पर क्या हो चुका है, क्या कंटेन कर लिया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या कंटेन कर चुका है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलिए इसमें आते हैं, बोलो रेजोनेंस इसमें भी, नो डाउट रेजोनेंस इसमें भी, ठीक है। चलिए रेजोनेंस इसमें भी है OCH3, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट केस हो जाएगा OH, अच्छा एग्जाम में आपको ये चीज था, मैं आपको एक चौथा सब्सट्रेट भी लेकर के दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कि अगर आप देखेंगे दोनों में से ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, कौन स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, ये प्लस एम है, ये भी आपका क्या है प्लस एम है, पर ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस एम है, इसकी
ऑक्सीडाइजर नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्लस में, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये क्या होगा, इधर का लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करेगा। अच्छा इधर क्या होगा, लोन पेयर और इधर भी पाई बॉन्ड का होगा माइग्रेशन कहां टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए चूंकि ये भी प्लस एम था ये प्लस एम था, दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में फिल करने की कोशिश करेंगे, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ आएगा, इधर से भी नीचे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा वो CH3 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में पुश करेगा, मतलब इधर से भी क्या हो रहा है रेजोनेंस अंदर की तरफ प्लस आर ग्रुप, इधर से भी रेजोनेंस क्या हो रहा है रिंग की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर ना ये आपका हो जाएगा पुअर रेजोनेंस, ये क्या हो जाएगा आपका पुअर रेजोनेंस। तो पुअर रेजोनेंस होने के कारण नो डाउट यहां भी आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पर पुअर रेजोनेंस होने का कारण क्या है कि यहां पर क्या हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा यहां पे कम रहेगा, क्या रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे लिख देता हूं लेसर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या रहेगा आपका लेसर रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बहुत क्लियर हो गया, जहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है प्योरली तो वो उसका बॉन्ड लेंथ क्या है सबसे ज्यादा। सो अगर चलिए इसको हम स्ट्रक्चर ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको हम क्या हमने क्या बोल दिया सी बोल दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ए में सी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। अब किस में डीबी कैरेक्टर कम है, जिसका डीबी कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, जिसका डीबी कैरेक्टर ज्यादा होगा लेंथ कम हो जाएगा, सो किसमें कम डीबी कैरेक्टर है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, सो डीबी कैरेक्टर इसमें कम है सो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सो योर आंसर विल बी ए सी एंड बी, ठीक है। चलिए ये तो आपसे जनरली मेंस ने पूछा, अब इसमें एक छोटी सी छोटा सा कलाकारी कर लेते हैं, इसमें करते क्या है देखिए एक बार सबसे अगर हम बनाते हैं, ठीक है ये तीन तो आप समझ ही चुके हो, ठीक इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा हटा लेते हैं क्योंकि इसमें देख चुका है इनको हमेशा प्योर क्या मिल रहा है प्योर सिंगल बॉन्ड हमेशा मिल रहा है, ठीक है इसको मैं यहां से हटा देता हूं और थोड़ी सी कलाकारी में यहां पे क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी कलाकारी में बस ये कर रहा हूं स्ट्रक्चर डी बोल लेता हूं इसको, ठीक है। जेड एलिमेंट्स के हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जो भी पेपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर डी में क्या है ये देखिए, मैं अपने जब से बना रहा हूं यहां है OH यहां है CHO यहां है CHO, अगर आप थोड़ा सा इसको खोल लें तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा CHO, ठीक है। अब देखिए टाइलर से अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा इसका जस्ट अपोजिट, ये आपका प्लस एम ग्रुप है, पर अब थोड़ा सा ध्यान दें ये जो आपका ग्रुप है ना ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया माइनस एम, मतलब ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में पुश करेगा और ये ग्रुप क्या करेगा भाई साहब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा रिंग से दूर कर लेगा, तो ये ना एक बहुत ही अच्छा रेजोनेंस इस एंड से टॉप एंड से पूरे बॉटम एंड तक एक बहुत अच्छा रेजोनेंस मिलने वाला है, ठीक है। क्या होगा ये इधर आगे और फिर यहाँ आएगा लोन पेयर नेगेटिव, फिर ये रेंज होगा, फिर ये आगे जाएगा एंड देन सो ऑन ये रेजोनेंस आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं अगर डायरेक्ट बनाता हूँ इसको तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका अगला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसका अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, एक यहाँ हो जाएगा लोन पेयर नेगेटिव और यहाँ क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड। अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा चलिए जगह नहीं है कोई बात नहीं मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अगली बार क्या होगा ये इधर और ये हो जाएगा आगे और ये चले जाएगा ये कुछ होने वाला है, मतलब इसमें क्या हो रहा है पूरा टॉप से बॉटम तक पूरा का पूरा रेजोनेंस इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट मतलब काउंटर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट मिलेगा, दोनों एक दूसरे टकराएंगे अभी, पर इसमें क्या हो रहा है एक पैटर्न एक पूरा का पूरा क्या हो रहा है तुम्हारा फ्लो बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है रेजोनेंस रेजोनेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है इसमें जो डीबी कैरेक्टर होगा ना इसमें जो डीबी कैरेक्टर होगा वो होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर रैंक करने बोला जाए तो प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कहां पे था जो हमने मिटा चुका स्ट्रक्चर हमने मिटा दिया कौन सा इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे कम डीबी कैरेक्टर आया है, तीनों में डीबी कैरेक्टर है पर सबसे कम डीबी कैरेक्टर किसमें इस वाले में, सो इसका किसका बॉन्ड सी, सी के बाद क्या हो जाएगा सी के बाद हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसमें ना पार्शियल लोन कैरेक्टर है, ठीक है। पर सिर्फ इतने ही दूर के रेजोनेंस में, पर इसमें देखो ये पार्ट एक्स्ट्रा हो चुका है ना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बी और बी के बाद कौन हो जाएगा बी के बाद हो जाएगा डी, डी को हमने सबसे पीछे रखा है, डी का बॉन्ड लेंथ सी OH बॉन्ड लेंथ में सबसे पीछे रखा है सबसे कम रखा है, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा सबसे ज्यादा रेजोनेंस होने वाला पूरा टॉप टू बॉटम तक रेजोनेंस होने वाला है, तो ये डिफरेंस है। अगर आज जेडब्ल्यू मेंस ने क्या किया है प्लस एम ग्रुप के साथ दिया है, हो सकता है कल डेट में आने वाले समय में माइनस एम के साथ आ जाए तो आपका आंसर जो है ना ठीक उल्टा हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आपका जस्ट उल्टा हो जाता, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों से एक्सप्लेन कर दिया जेड एलिमेंट्स ने क्या पूछा और इसमें थोड़ी सी कलाकारी करके और क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
तो क्या कर लेंगे, ये जो फेड का जनरेट हो चुका है, ज्यादा स्टेबल फेड का जो जनरेट हो चुका है सेट, इसको आप इससे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल दोनों को जोड़ेंगे, यहां से बन जाएगा आपका एक बॉन्ड, ठीक, कौन सा कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब उसके बाद देख ले इसके, इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक मिथाइल इधर और इधर कितने कार्बन, एक दो तीन, सो हमने ड्रॉ कर लिया, एक दो तीन, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसा मार्क कर लें, अब इसको ऐसा मार्क कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है, सो सेकंड कार्बन, ये कौन सा कार्बन आपका सेकंड कार्बन, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, डबल बॉन्ड देन आफ्टर OH, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, और यहां पर दे रखा है डाइल्यूट H2SO4, चलिए दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा है यहां पे, इस काफी लंबा थोड़ा सब्सट्रेट है, ठीक है, बच्चे इसको देख के थोड़ा घबरा सकते हैं कि इतना लंबा स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दो एल्कीन, दो डबल बॉन्ड साइट है, एक OH अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में यहां पे क्या दे रखा है, डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या होगा, यहां से H+ क्या करेगा, H+ क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी यहां पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, H+ का अटैक होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। चलिए सबसे पहला स्टेज क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख दूं, चूंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे यहां से, मैं वापस इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये ऐसा। और अब ध्यान दें यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब लास्ट पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो हाईली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, उस पर क्या लग रखा है, पॉजिटिव चार्ज, सो क्या करेगा ये, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, किस लिए, इस कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ और ज्यादा करेगा कि ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, मतलब इसको इसका लोन पे वापस मिल जाए। सो क्या करोगे, यहां से H2O को करोगे रिलीज, यहां से H2O को निकालेंगे बाहर, और पीछे बन क्या जाएगा, पीछे बन जाएगा कार्बो कैटायन का हो जाएगा फॉर्मेशन, और जो कार्बो कैटायन होगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, क्योंकि यहां जो कार्बो कैटायन बन रहा है वो आपका होगा एलाइलिक कार्बो कैटायन, ये आप देख लेंगे यहां पे आपका हो जाएगा एलाइलिक कार्बो कैटायन, ठीक है। चलिए सो अगले स्टेज में क्या हो जाएगा, अगले स्टेज का स्ट्रक्चर बनेगा, मैं यहां पे फिर से एक बार ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ ऐसा CH2 पॉजिटिव, चलिए ये यहां से H2O बाहर हुआ, तो ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड, सो दिस इज योर एलाइलिक सिस्टम, ठीक है। चलिए अब क्या होगा इसके आगे, अब देखिए यहां पे ना दो दो पाई बॉन्ड दे रखा है, और यहां पे आपका एक कार्बो कैटायनिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो चुका है। अब देखिए यहां पे आपका दो पॉसिबिलिटी है, आपको थोड़ा सा अंदाजा है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यहां पे रिंग की एस्टेबिलिटी बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे चेक कर लेते हैं, पहला कंडीशन ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से टूटे जहां पर क्या हो जाए कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है, ये ब्रेक किया हमने, इधर पॉजिटिव और इधर हमने क्या लगाया, इधर हमने लगाया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका ये जो कार्बन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनते हुए इसका अटैक इस कार्बन पॉजिटिव के पास होगा, और यहां से कितने मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप खुद चेक कर सकते हैं, 1 मेंबर 2 मेंबर और 3 मेंबर, ठीक है। यानी कि अगर इनको आप जोड़ते हो तो कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, और 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये काम तो नहीं करेंगे, ये पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। सो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो अब चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पाई बॉन्ड, दूसरे वाले डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम इसको एज इट इज प्लेस कर देते हैं, और हम इसका एक बार इसको क्या करते हैं, ब्रेक करके थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, इधर हमने लगाया क्या पॉजिटिव, इधर हमने क्या लगाया नेगेटिव। चलिए अब एक बार काउंट करते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ है, ठीक है, कौन सा, ये कार्बन कैटायन, और ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन लोन पे नेगेटिव चार्ज जो है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है उसके बीच, यानी इसका टारगेट इसके ऊपर होता है, कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। सो गाइस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
इधर से क्या बन रहा है, सेवन बन रही। अच्छा एक बार थोड़ा सा उल्टा करके भी चेक कर ले, क्योंकि जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सिक्स नंबर रिंग होता है, ठीक है। अगर चेक करते हैं कहीं सिक्स नंबर रिंग बनना भी बन सकता है यहाँ पे, क्या एक पॉसिबिलिटी है, तो चेक करते हैं इसको ना अपन उल्टा प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। उल्टा प्लेस कर लेते हैं मतलब इधर हमने लगाया क्या, इधर लगाया निगेटिव, इधर लगाया हमने क्या पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच और छह, तो इधर से बन रहा है सिक्स नंबर रिंग, इधर से बन रहा है सेवन नंबर रिंग, ठीक है। सो आप पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस इसको दोगे, सिक्स नंबर रिंग को जो ज्यादा स्टेबल है उसको प्रायोरिटी देते चलोगे। सो गाइस ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप मैकेनिज्म जैसा आप हम सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होगा वो इस कार्बन सेंटर कार्बोकैटायन सेंटर के ऊपर होगा, और अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो इसका अगला स्ट्रक्चर के लिए मैं थोड़ा सा जगह इधर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आपका ये अगला स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, एक ब्रांच दो एज ए ब्रांच हमने लगा लिया, ठीक है। इधर हमने क्या लगा लिया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमको यहाँ से हमने पहले डिसाइड कर लिया कि रिंग जो है ना वो कहाँ से बनेगा, इस कार्बन लोन पे नेगेटिव चार्ज से बनेगा, ठीक है। चलिए अगला इसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा ऐसा, और ये इधर है, ये कुछ ऐसा है CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बीच में यानी कि इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का हो जाएगा फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड का हो जाएगा इसके बीच में फॉर्मेशन, ठीक है। पर ये आपको अच्छा दिख नहीं रहा है, ऐसा अपन ड्रॉ करते नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमें काम करते हैं इसको नंबरिंग लगा लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग लगा लेते हैं, जिसको हमने बोला वन, इसको बोला हमने टू, इसको बोला थ्री, इसको बोला फोर, इसको बोला फाइव, इसको बोला सिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिक्स नंबरिंग हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसा ये देखो ये जुड़ चुका है, पर ये एक लिखने का तरीका नहीं होता, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको बेल अरेंज तरीके से इसको हम एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, सिक्स आपको दिख रहा है, सो वन टू सिक्स है, सो सिक्स नंबर रिंग का हमने कर दिया यहाँ पे फॉर्मेशन। चलिए हमने बोला कि ये कार्बन नंबर कौन सा है, वन, कौन सा, ये वाला, कौन सा साइड की बात कर रहे हैं, कार्बन नंबर वन, हम बात कर रहे हैं इस वाले कार्बन, ये टॉप वाला जो है ना इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं दूसरा कार्बन, इसको हमने बोला टू, इसको हमने बोला थ्री, इसको हमने बोला फोर, इसको बोला फाइव, इसको बोला सिक्स। अब देखिए दूसरे कार्बन पे क्या है, दूसरे तीसरे बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, लगा दिया। तीसरे पे क्या है, एक और मिथाइल है, ये भी हमने लगा दिया, ठीक है। फोर फाइव सिक्स, आप जैसे सिक्स पे पहुंच रहे हो, ठीक है, सिक्स पे पहुंच रहे हैं जैसे ही, तो ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस एंड पे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये यहाँ पर सिक्स कार्बन जो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है उसके थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके थ्रू एक ये बॉन्ड और ये दो ग्रुप्स मिथाइल के, दो मिथाइल ग्रुप ऐसा है, और इस एंड पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा अरेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अरेंज हो चुका है, अब अगले स्टेज में क्या होगा, अब ये जो कार्बोकैटायन का जो कार्बोकैटायन यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं, इसको अपन क्या कर लेंगे, इसको एसिडिफाई यानी एसिडिक होने में क्या कर लेते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम तो ये होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला काम तो ये होगा कि यहाँ पे हो जाएगा H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन, H3O पॉजिटिव का हो जाएगा फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन आफ्टर, चलिए अगर ये स्टेप नहीं भी करते तो डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली अपन क्या करते हैं H2O से कर लेते हैं ट्रीट, H2O से कर लेते हैं ट्रीट, ठीक है। और ऑक्सीजन लोन पेयर से यहाँ होगा अटैक, और अटैक होने के बाद क्या बन जाएगा, अटैक होने के बाद बन जाएगा H2O, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर के थ्रू अटैक का लोन पेयर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसके बाद अपना स्ट्रक्चर आगे कुछ ऐसे वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। अगले स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे जो एक एच प्लस हमने एज ए कैटलिस्ट का जो हमने यूज किया उसको अपन कर लेते हैं वापस, तो एक एच प्लस बाहर जाएगा, एक एच प्लस गया बाहर, ठीक। ऑक्सीजन पे वापस से आ चुका है क्या, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा कुछ ऐसा, वो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसा, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन आया है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का अपने को रेट बताना है। तो देखिए जितने भी अब तक शिफ्ट हुए हैं, मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में क्या हो रहा है आपका, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। कभी पूछते हैं साइटजेफ प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, हॉफमैन कहाँ बनेगा, और इसमें पूछा उन्होंने कि चार सबसे दे रखा है, किसमें E1 सबसे फास्ट होगा, किसमें E1 सबसे स्लो होगा, ठीक है, उन्होंने दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, ठीक है।
सो पहला स्ट्रक्चर जो है ना वो है आपका कुछ ऐसा यहाँ लगा रखा है Cl, दूसरा है आपका यहाँ पे Cl, तीसरा है आपका कुछ ऐसा यहाँ पे Cl दे रखा है और चौथा जो सब्सट्रेट है वो आपका यहाँ पर Cl दे रखा है, ठीक है। चलिए इसे दे रखा है E1 का हमको क्या करना है, रेट निकालना है, रेट टुवर्ड्स E1 रिएक्शन, रेट टुवर्ड्स E1 रिएक्शन हमको निकालना है, ठीक है। E1 के लिए हम देखते क्या है, तो गाइस यहाँ पे E1 के लिए हम क्या देखते हैं, चूंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। जिसमें जितना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का, वो सब्सट्रेट उतना ही ज्यादा क्या रहा होगा, रिएक्टिव रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे कार्बोकेटाइन का कर लेते हैं फॉर्मेशन। तो अगर हम कार्बोकेटाइन का करते हैं फॉर्मेशन तो ये कुछ बनेगा ऐसा, और दूसरा स्ट्रक्चर आपका होने वाला है कुछ ऐसा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड स्ट्रक्चर का कार्बोकेटाइन जो है वो आपका होने वाला है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और फोर्थ में आपका होने वाला है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमको पता है, देखिए ये कितना डिग्री है, दिस इज योर मतलब फर्स्ट साइड में आपका क्या है, दिस इज योर वन डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज योर वन डिग्री कार्बोकेटायन, बट दिस इज योर टू डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज अगेन योर टू डिग्री कार्बोकेटायन। सो गाइस पहले यहां देख लें, ये टू डिग्री के साथ साथ क्या हो रहा है, टू डिग्री के साथ क्या है, ये रेजोनेंस है। सो टू डिग्री कार्बोकेटायन प्लस साथ में क्या है, रेजोनेंस है, यानी बोल सकते हो ये पार्ट जो है ना ये क्या है आपका एलाइलिक पार्ट है। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल, यानी कि ये बात तो समझ में आ गया कि यहां से सी जो होगा ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये सिंपल टू डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं इसमें कितना, तीन और इधर दो, हाइपर कंजुगेशन आपको पता है यहाँ पे लग सकता है, लगा सकते हो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। सो तीन और दो पांच अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख दूँ एलाइलिक है, और प्लस साथ में क्या है, साथ में आपका तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए ये वन डिग्री, ये वन डिग्री, ठीक है। फर्स्ट साइट में क्या हो रहा है, फर्स्ट साइट में ये हो रहा है वन डिग्री टू डिग्री टू डिग्री। तो गाइस यहाँ पे चलो रीअरेंज अगर होता भी है, नो डाउट आप बोलोगे कि रीअरेंज होगा कि टू डिग्री कन्वर्ट हो सकता है, पर ये समझो कि ऑलरेडी टू डिग्री हो रखा है, इट मीन्स कि ये आगे जाके टू डिग्री बन भी जाए पर इसको रीअरेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये इनिशियली शुरू से ही क्या हो रहा है आपका, ये टू डिग्री है, ठीक है। तो गाइस ये सबसे पहले एलाइलिक प्लस थ्री अल्फा हाइड्रोजन, दिस हैव ओनली फाइव अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ आप क्या काउंट कर रहे हो, कैसे क्यों काउंट कर रहे हो इसको, बिकॉज ऑफ टू जज द स्टेबिलिटी थ्रू द हाइपर कंजुगेशन। सो सी का क्या आ जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल, थ्री अल्फा कम है, पर समझना इसमें रेजोनेंस है विद एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। इसमें क्या है आपका, सिर्फ पांच अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन चाहिए। अब आते हैं जो इनसे पीछे थे, टू डिग्री से पीछे कम स्टेबल कौन, वन डिग्री, दोनों ही क्या है आपके वन डिग्री एंड वन डिग्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जब दोनों वन डिग्री हैं, ठीक, तो इसमें आप थोड़ा सा चेक करें, इसमें ये रीअरेंज होकर के क्या हो सकता है, ठीक है, रीअरेंज होकर के क्या हो सकता है, अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन, और इसके लिए भी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके चेक करते हैं कि क्या कार्बोकेटायन आगे जाकर और ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करते हैं, तो एक हाइड्राइड की अगर शिफ्टिंग करते हैं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन और दो कितने हो जाएंगे, पांच अल्फा हाइड्रोजन, पांच अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसको अगर रीअरेंज करते हैं यहां से, तो इसको रीअरेंज करते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बन गया, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। ये Cl यहां से जाने के बाद ना, Cl यहां से जाने के बाद ये आपका हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए, कोई अभी भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे यहां पे, एक बार रीअरेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तीन अल्फा हाइड्रोजन है, आप देखेंगे तीन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, पर ये क्या हो चुका है, रेजोनेंस में आ चुका है। सो रीअरेंजमेंट का हमने देखा, ये कार्बोकेटायन का एडिशन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, रेस्पॉन्डिंग सबसे उसका क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो आंसर बी, और बी के बाद क्या हो जाएगा, तो ये है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द गिवन हैलाइड्स फॉर टुवर्ड्स द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए आप इसको भी नोट कर सकते हैं, नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज एक सबसेट दे रखा है और वो करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इसमें पूछा है
कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सब्सट्रेट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रिएजेंट, आपसे पूछा है रिएजेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है मैं आप पहले ऐसा सब्सट्रेट लिख देता हूँ। सब्सट्रेट है कुछ ऐसा, यहाँ पर दे रखा है CONH2Amide, ठीक है, 1 डिग्री amide, और यहाँ दे रखा है एसिड COOH, ठीक है। बाजू में एक और रिंग है और इस रिंग पे एक तरफ दे रखा है आपका कीटोन और एक तरफ आपका है C(NN). और जैसा कि चूंकि देखो अब इसमें थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, थोड़ा गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्या गड़बड़ हुआ है देखिए, अगर आपको दो मिनट में समझ आ जाएगा अगर आपको थोड़ा सा रिएजेंट के बारे में पता है तो। चलिए इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट जो है वो हमको बनाना है कुछ ऐसा कि रिडक्शन सिर्फ किसका हो, एसिडिक साइट से हो। रिडक्शन किस कहां होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक साइट का। मतलब बोला गया है कि हमको इसको वैसे ही मेंटेन रखना है, हमको इसको भी वैसे ही मेंटेन रखना है, हमको इसको भी वैसे ही मेंटेन रखना है, पर हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि इस एसिड को ना हमको वन डिग्री अल्कोहल में कर देना है, हमको रिड्यूस कर देना है, ठीक है। और यहाँ बोला है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। एक पहला है H2 with PD पैलेडियम, दूसरा आपको दे रखा है LiAlH4LH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा दे रखा है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और चौथा आपको दे रखा है B2H6। फोर्थ आपको क्या दे रखा है, B2H6 दे रखा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल अच्छे से रखा है। अब देखिए पहले आपको रिएक्शन में बताना की खासियत, आपको क्या करना है, एसिड को रिड्यूस करना। आप देखिए ज्यादा बेटर ये है कि आप सिलेक्शन तरीके से बना ले, सिलेक्टिव तरीके से बना ले कि हमको जो काम करना है उस पे फोकस कर ले, ठीक है। H2PDPD जो H2PD जो है ना, H2PDPD ये क्या करता है, COOH को रिड्यूस नहीं करता है, CWH को रिड्यूस नहीं करता, करता है पर उसके लिए विल्किंसन कैटलिस्ट होना चाहिए एंड दैट सोन यहाँ पे नहीं दे रखा है, सिंपली H2PD है, तो ये एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन तो गया क्योंकि हमको करना क्या था, सबको बचा करके इस एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना था, ओनली अल्कोहल में, और ये H2PD वही काम नहीं करता है, तो बाकी तो आप छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। LiLH4 चलो इसको छोड़ देते हैं, पहले आते कहां पे NaBH4 भी क्या करता है, COOH को रिड्यूस नहीं करता है। सो ये आंसर भी गाइस रॉन्ग हो चुका है, ये आंसर भी रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं किसकी तरफ, LiAlH4 की तरफ। आपको पता है LiAl NaBH4 क्या था, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था, LiLH4 क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग, ये क्या आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये करेगा क्या, ये जो है ना, चलिए एसिड को तो रिड्यूस कर देगा, पर साथ साथ इसका दिक्कत क्या है, ये एसिड हो, नाइट्राइल्स हो, एमाइड्स हो, कीटोन्स हो, सबको क्या कर लेगा, ये रिड्यूस कर देगा। कहां करेगा, किसमें रिड्यूस करेगा, ये अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपन सिंपली दर्ज कर रहे हैं किसको रिड्यूस करेगा, किसको नहीं करेगा। सो ये क्या करेगा ना, ये CN को भी रिड्यूस कर देगा, ये आपका CONH2 एमाइड्स का भी कर देगा, ये आपका COCH3 का भी रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो चूंकि ये सबको रिड्यूस कर दे रहा है, हमको करना सिर्फ किसको था, एसिड को, तो ये ऑप्शन में गाइस गलत हो चुका है। तो बचा क्या, B2H6, ठीक है। तो अब देखो पर बात यहाँ पे ऐसी है ना कि B2H6 का अगर हम प्रॉपर्टी थोड़ी सी अगर हमको पता है, थोड़ा हम देखते हैं तो ये क्या करता है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये सिलेक्टिव होता है, ठीक है। ये COOH को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा, और वही चाहिए था, ठीक कर दिया। पर इसका दिक्कत क्या है ना कि ये कीटोन्स को भी ये क्या करेगा, कीटोन्स ही नहीं ये अल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो COCH3 को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक। चलिए आगे साइनाइड्स, ये जो है साइनाइड्स को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। पर हमको इस क्वेश्चन में करने का सिर्फ क्या करना था, एसिड को रिड्यूस करना था, और वो यहाँ पे कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये और ये आपका जो H2PD है एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक। NaBH4 एसिड को ही रिड्यूस नहीं करेगा, वेरी सॉरी मैंने शायद ऑक्सीडाइजर बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। H2PD जो है इस एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, गया ऑप्शन। NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं करता, ये भी गया। LiLH4 B2H6 दोनों एसिड को रिड्यूस करेगा, पर आप समझे कि LiLH4 स्ट्रॉन्ग ये सबको कर देगा, ये भी गया, क्योंकि हमको रिड्यूस किसको करना है, सिर्फ एसिड को। और B2H6 में भी क्या करता है, ये एसिड कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड कीटोन या साइनाइड ये सबको रिड्यूस करता है, तो काइजेस का आंसर ये भी नहीं होना चाहिए,
कायदे से आंसर ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप सिलेक्टिव तरीके से बनाओगे तो Li AlH4 के कंपैरिजन में Li, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आंसर तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, क्रोटॉन्स को तो एटलीस्ट रिड्यूस कर देगा, साइनेट्स को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप देखते हो तो Li AlH4 के कंपैरिजन में B2H6 के आपका Li AlH4 के यानी LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के कंपैरिजन में B2H6 के आपका B रिड्यूसिंग एजेंट है इसके सामने, ठीक है। सो कुल मिलाकर के सबसे अगर क्लोजेस्ट आंसर देखा जाए, सबसे क्लोजेस्ट सही तरीके से आंसर देखा जाए तो आपका आंसर B2H6 ही जाएगा। हालांकि यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन मैच होता नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने पेपर दिया, वो आके बता रहे हैं कि ऐसा है ऐसा ऐसा है, हो सकता है उनके बताने में या कुछ टाइपिंग एरर भी हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर भी हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और आया होगा, ठीक है, और इसको नोट करने में गलत हो गया हो, बताने में कुछ गलत हो गया बच्चे को, ठीक है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर अभी के हिसाब से क्या आपका B2H6 है, ठीक है। चलिए इसमें आपका और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और जो अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका दे रखा है इथाइल एसीटेट लिक्विड, इथाइल एसीटेट लिक्विड में कौन सा, इथाइल एसीटेट लिक्विड में कौन से इंट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, कौन से इंट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए तो इथाइल एसीटेट अपन मान लेते हैं, इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3COO और यहाँ पे अपन लिख देते हैं ईटी, ठीक है, या ज्यादा बेटर है ईटी को मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने इस फॉर्म लिख दिया C2H5, ठीक है। इसमें बोला गया कि इसमें कौन सा इंट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है, लंडन फोर्सेस है, ठीक है, दो दो के पेयर में ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले गाइस अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, फोकस करें, तो यहाँ पे क्या है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा बता लूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो है, ठीक है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पे है, ठीक है, बाजू में क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। पर ये ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है ना वो किससे जुड़ा होना चाहिए, हाईली ईएन एटम से, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो सामने तो तुम्हारा आपके पास क्या होना चाहिए, F1 फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना ही चाहिए, साथ में जो सामने आपका हाइड्रोजन दिख रहा है वो भी किससे जुड़ा होना चाहिए, हाईली ईएन एटम से जुड़ा होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, फिलहाल जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है आपका, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन लोन पेयर के थ्रू ये क्या हो चुका है, इनके बीच अट्रैक्शन इंट्रैक्शन जनरेट हो चुका है, और इसी को हम शायद क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि यहाँ भी तो है, ये देखो ऑक्सीजन लोन पे एक ईएन एटम बिल्कुल तैयार बैठा है, इसके साथ क्या कर ले, कोई बाजू वाला हाइड्रोजन यानी कि इसी कंपाउंड के, इसी कंपाउंड के दूसरा मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इससे क्या कर ले, इंट्रैक्शन कर ले, एंड दैट विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड। पर थोड़ा ध्यान देंगे, वो हाइड्रोजन किसका होता है, वो हाइड्रोजन किसका होता है जो एक हाईली ईएन एटम FON से जुड़ा होता है, ठीक है। सो FON से जुड़ा होता है, यहाँ पे आपके पास कौन सा हाइड्रोजन है, आप बताइए, क्या ये हाइड्रोजन है, नहीं, ये तो किससे जुड़ा है, कार्बन से, क्या ये हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा है, कार्बन से, और बाकी हाइड्रोजन है नहीं। सो यहाँ पर तो एच बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर आप ऐसा बनाते हो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो CH2HC डबल बॉन्ड OO C2H5, गाइस ये गलत है, यहाँ एच बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए था, ऑक्सीजन से, आपने कौन सा हाइड्रोजन का यूज कर लिया, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा अगर आप चाहो कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ उससे यूज कर लो, ऐसा हाइड्रोजन आपके पास है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं। चलिए तो एच बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, एच बॉन्ड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे होगा क्या, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिंग पोलर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिंग पोलर, इस पे होगा क्या, पार्शियल बिंग पोलर, ऑक्सीजन बिंग पोलर नेगेटिव, क्या कंटेन करेगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, दूसरा इसी कंपाउंड का, इसी इथाइल एसीटेट का दूसरा मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट होगा, और ये आपका अभी बना चुका है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इसी को हम शायद क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर सही है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, पर उसने आंसर ऐसा नहीं, उसने इसका एक पेयरिंग करके दिया है कि डाइपोल डाइपोल के साथ एच बॉन्ड है या लंडन फोर्सेस है, वन डर वॉल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इसको इसका हो गया डाइपोल डाइपोल, इसका आंसर हो जाएगा डाइपोल डाइपोल, और साथ में
साथ में आप ऑप्शन के हिसाब से जो उसने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है इसके साथ डायपोल, डायपोल के साथ एच बॉन्ड, डायपोल डायपोल सकता देखा एच बॉन्ड, पर हमने अभी जस्ट चेक एच बॉन्ड हो नहीं सकते, तो बचा क्या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है लंदन फोर्स, तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड लंदन फोर्सेस। ठीक है, तो इस सेट में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, अब हम कल के पेपर के सेट वन सेट टू के सॉल्यूशन के साथ फिर से आपके साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।